हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ आसान और जबरदस्त जीके ट्रिक्स का डिस्कशन करेंगे। इन जीके ट्रिक्स की मदद से आप कुछ ही मिनटों में ढेर सारी जीके क्वेश्चंस की बेहतरीन तैयारी कर पाएंगे। जीवाणु, विषाणु, कवक और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी का नाम एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन तैयारी के बावजूद भी इन सवालों में कंफ्यूजन का होना आम बात है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ट्रिक्स सीखेंगे जिससे कि आप इन क्वेश्चंस का जवाब कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आप हमारी पूरी वीडियो के साथ बने रहें। फ्रेंड्स, हमारा YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म ऐसे ही नई नई वीडियोस लॉन्च करती रहती हैं, जो एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होती हैं। इसलिए अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि चैनल की हर अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब आइए इस वीडियो में दिए गए चार फेमस साइंस ट्रिक्स देखते हैं जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। इस वीडियो में कुल चार ट्रिक दिया गया है। सबसे पहला ट्रिक जो है वह है जीवाणु से होने वाले बीमारियों के नाम याद रखने का ट्रिक। सबसे पहले हम इस ट्रिक को देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे विषाणु यानी वायरस से होने वाले बीमारियों के नाम को याद रखने का ट्रिक। इसके बाद हम देखेंगे फंगस यानी कवक से होने वाले बीमारियों के नाम को याद रखने का ट्रिक, और सबसे अंत में हम देखेंगे वे सभी बीमारी जो प्रोटोजोआ से होती हैं उनकी नाम को याद रखने का ट्रिक। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक ऐसा ट्रिक जिसके सहारे जीवाणु से होने वाली विभिन्न बीमारियों का नाम चुटकी में याद रखा जा सकता है। चलिए देखते हैं क्या है ट्रिक। यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ है जो सेंटेंस काफी सिंपल है, और ये सेंटेंस है गोटी सी पंडित का काली टाई न्यू है। बस आपको ये सेंटेंस ही याद रखना है। इसी सेंटेंस को अगर आप याद रख लेते हैं तो जीवाणु से होने वाली सारी बीमारी का नाम आपकी जीभ में होंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सेंटेंस है गोटी सी पंडित का काली टाई न्यू है, इसमें विभिन्न शब्द जो दिया हुआ है गोटी सी पंडित का काली टाई न्यू है, हर शब्द का विशेष महत्व है, और हर शब्द का जो एक पाठ है, एक एक पाठ से एक एक बीमारी का नाम पता चलता है। सबसे पहला शब्द है गोटी सी। अब गोटी सी शब्द में सबसे पहला जो पाठ है वह है गो, और गो से होता है गोनोरिया। गोनोरिया एक ऐसा बीमारी है जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होती है। इसके बाद जो पाठ है वह है टी, टी से टिटनेस। टिटनेस भी जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद जो शब्द का पाठ है वह है सी, सी से सिफिलिस। फिर अब हम आएंगे जो लास्ट गोटिसी के बाद जो शब्द है वह है पंडित। तो पंडित का पहला अक्षर है प, प से प्लेग। फिर है ड, ड से यानी डी से डिफ्थीरिया, और इसके बाद जो आपका अक्षर आता है वह तो से हो गया टीवी, तपेदिक, जिसको हम ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं। इसके बाद शब्द दिया हुआ है का यानी इसमें अक्षर है आपका क, क से जो बीमारी का नाम आ रहा है वह है कुष्ठ, जिसको हम कोढ़ भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इस बीमारी को लेप्रोसी कहते हैं, और इस लेप्रोसी बीमारी में होता यह है कि शरीर का जो टिश्यू है, शरीर का जो ऊतक है वह क्षय होने लगता है। अब आइए इसके बाद जो शब्द दिया हुआ है वह है काली। काली से हो
हो गया काली खांसी। काली खांसी एक ऐसा बीमारी है जो जीवाणु से होती है। इसके बाद शब्द है टाई। टाई से होने वाली बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड भी जीवाणु से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद आपका शब्द आता है न्यू। न्यू से हो गया निमोनिया। और सबसे अंत में जो शब्द है वह है से हैजा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि सिंपल सा सेंटेंस में बीमारी से होने वाले विभिन्न नाम को हम यूं ही चुटकी में याद रख सकते हैं। गोटी सी पंडित का काली टाई न्यू है, ये एक सिंपल सेंटेंस है और इस सेंटेंस को कोई भी बंदा आसानी से याद रख सकता है। और इसमें हर एक शब्दांश से एक एक बीमारी का नाम सामने आ रहा है। इस प्रकार जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। अब आइए इसके बाद हम आते हैं एक ऐसा ट्रिक जिसके से हम विषाणु यानी वायरस से होने वाली बीमारियों का नाम आसानी से याद रख सकते हैं। अब देखते हैं वह कौन सा ट्रिक है जिसके सहारे हम वायरस से होने वाली। यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है। सेंटेंस है एमपी की रेखा कैट छोड़ गई है। बस इस सेंटेंस को याद रखने के बाद हम विषाणु या वायरस से होने वाली डिफरेंट डिजीज का नाम चुटकी में याद रख सकते हैं। सेंटेंस बहुत ही सिंपल है और इसको कोई भी आसानी से याद रख सकता है। ये ट्रिक जो है ये है एमपी की रेखा कैट छोड़ गई है। अब हम इस ट्रिक में दिए गए एक एक शब्द पर विचार करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार इस ट्रिक में सारी विषाणु से होने वाली बीमारी का नाम छिपा हुआ है। सबसे पहला जो अक्षर है वह है एम। अब देखते हैं कि एम से कौन सा बीमारी का नाम आता है। एम से मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस विषाणु यानी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद आपका अक्षर है पी। पी से होने वाली बीमारी है पोलियो। नेक्स्ट जो शब्द है वह है रेखा। यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि एमपी और रेखा के बीच जो एक शब्द है कि ये की साइलेंट है, इसको हम नजरअंदाज कर देंगे। अब रेखा में जो सबसे पहला पार्ट है वह है रे। रे से रेबीज। रेबीज भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद ख यानी खा। खा से खौ। खौ से खसरा। खसरा विषाणु से होने वाली बीमारी है। इसके बाद है कैट CAT। तो कैट में सबसे पहला जो अल्फाबेट है वह है सी। सी से चेचक। चेचक भी विषाणु से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद अक्षर है ए। ए से एड्स। ये तो कोई भी आसानी से याद रख सकता है, कोई हर कोई जानता है कि ए से एड्स होता है। इसके बाद जो अच्छा है वह है टी। देखते हैं कि टी से कौन सा बीमारी आता है। टी से ट्रैकोमा। ट्रैकोमा ये भी वायरस से होने वाली एक बीमारी है। अब जो शब्द है यह है छोड़। तो छोड़ में सबसे पहला पार्ट जो है वह है छो और छो से हो गया छोटी माता। नेक्स्ट जो है इसमें है अढ़ा। तो अढ़ा को हम डॉ लेंगे और डॉ से हो गया डेंगू। इसके बाद शब्द है गई। गई में गौ। गौ से हो गया गलसुआ, जिसको हम मम्स कहते हैं, जिसमें गाल आदमी का फूल जाता है। और ये एक वायरल डिजीज है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। ई से इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी वायरल डिजीज है। और सबसे अंत में जो शब्द बचा है वह है। तो है से हो गया हेपेटाइटिस। ये एक लीवर की बीमारी है और ये बीमारी भी विषाणु से होती है।
इस प्रकार विषाणु से होने वाली सारी बीमारी का नाम हम इस सिंपल सा सेंटेंस एमपी की रेखा कैट छोड़ गई है, इस ट्रिक के सहारे हम सारी बीमारी का नाम याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने कुल अभी तक दो ट्रिक देखा। पहला ट्रिक देखा जीवाणु से होने वाली बीमारी का नाम याद रखने का, और दूसरा ट्रिक देखा विषाणु से होने वाली बीमारी के नाम याद रखने का ट्रिक। इसके बाद हम देखेंगे एक ऐसा ट्रिक जिसके सहारे हम फंगल डिजीज यानी कवक से होने वाली बीमारी का नाम याद रख सकें। अब आइए देखते हैं। कवक, इसको फफूंद भी कहते हैं, यानी फफूंद से होने वाली बीमारियों का सबसे आसान ट्रिक देखेंगे। यहाँ एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें लिखा है ऐसा फ्रूट खाद गंदा है। इस सेंटेंस को याद करके, इस ट्रिक को याद करके हम कवक यानी फंगस से होने वाली विभिन्न बीमारियों का नाम याद रख सकते हैं। अब यह सेंटेंस बहुत ही आसान है, इसको कोई भी आसानी से याद रख सकता है। अब आइए देखते हैं कि सेंटेंस में कैसे कवक जनित बीमारियों का नाम छिपा हुआ है। तो सबसे पहले है ऐसा फ्रूट। ये जो शब्द है ऐसा फ्रूट, इसको हम ए एफ भी ले सकते हैं, और ए एफ से हो गया एथलीट फुट, और ये बीमारी कवक यानी फंगस से होने वाला एक बीमारी है। इसके बाद जो शब्द है वह है खाद। तो खाद का पहला अक्षर जो है वह है ख, यानी पहला पार्ट जो है वह है खा, खा से हो गया खाज। खाज एक ऐसा बीमारी है जो कवक से होता है। फिर खा के बाद जो अक्षर है वह है द, द से हो गया दमा, दमा भी कवक से होने वाली एक बीमारी है। अब आइए इसके बाद जो शब्द है वह है गंदा। गंदा में सबसे पहले जो है गौ, उसके बाद फिर है दा, तो गौ से हो गया गंजापन। तो गंजापन में क्या होता है कि ये बीमारी व्यक्ति का कवक के इन्फेक्शन से, फंगस इन्फेक्शन से होती है। जब कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति जो गंजापन का शिकार है, उसके माथे पर जो कवक ऑलरेडी है, वह कवक अगर एक स्वस्थ व्यक्ति के माथे पर पहुंचता है तो उसमें गंजापन हो जाता है। इसके बाद जो आपका शब्द का भाग है वह है दा, दा से हो गया दाद, दाद कवक से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद जो सबसे लास्ट में शब्द है तो ये साइलेंट है और इसको हमें नजरअंदाज कर देना है। तो इस प्रकार ऐसा फ्रूट खाद गंदा है, इसी ट्रिक, इसी सेंटेंस के सहारे हम इतना सारा बीमारी का नाम याद रख सकते हैं। जनरली होता है कि क्या कि पढ़ने के टाइम हम पढ़ तो लेते हैं, लेकिन एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि एथलीट फूड ये कहीं बीमारी जीवाणु से तो नहीं होती है, ये कहीं तो कवक से नहीं होती हैं, ये शायद विषाणु से नहीं होती हैं। लेकिन इन सारे ट्रिक के माध्यम से हम सारी बीमारियों को हम आसानी से कह सकते हैं कि कौन सी बीमारी किसकी वजह से होती है। अब आइए इसके बाद हम देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम याद रखने का ट्रिक। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों का नाम याद रखने का अब हम ट्रिक देखेंगे। अब आइए देखते हैं क्या है ट्रिक में। इसमें भी एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है, बस इस सेंटेंस को हमें याद रखना है। सेंटेंस है नीम का पेड़ पाया, बस इतना सा छोटा सा सेंटेंस को हमें याद रखना है, और इसी सेंटेंस में प्रोटोजोआ से होने वाली विभिन्न बीमारियों का नाम छिपा हुआ है। सबसे पहला जो शब्द है वह है नीम, और नीम का सबसे पहला पार्ट जो है वह है नी, तो यानी नी से हो गया निद्रा रोग, इसको हम स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं, और ये प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद नी के बाद जो अक्षर आता है वह है मौ, तो मौ से मलेरिया, मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। इसके बाद
शब्द आता है का से हो गया कालाजार। कालाजार प्रोटोजोआ से होने वाली एक बीमारी है। इसके बाद शब्द आता है आपका पेड़। तो पेड़ में सबसे पहला पार्ट जो है वह है पे, पे से पेचिस। इसके बाद जो है आपका जो शब्द है अढ़, ये साइलेंट है, इसको हमको नजरअंदाज करना है। फिर शब्द है पाया, पाया से पायरिया। इस प्रकार इस वीडियो में हमने चार ट्रिक देखा और हमको उम्मीद है कि ये चारों ट्रिक आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगी। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।